सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एसएचएल राजपूत, और आज हम न्यूज़ लेके आए हैं केदारनाथ अपडेट के बारे में। तो जो केदारनाथ अपडेट पहले कहा जा रहा था कि 6 मई से जो यात्रा स्टार्ट हो रही है केदारनाथ की, तो उसमें ये था कि आपको आरटीपीसीआर करवाना होगा, बट अब ऐसा नहीं है। सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी अभी जो नेक्स्ट जब तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी आरटीपीसीआर वगैरह की। तो अगर आपको 2 डोज लगे हुए हैं तो आप इजीली वहाँ पे केदारनाथ की यात्रा आप कर सकते हो। तो जब तक अभी इसके बारे में दूसरा डिसीजन जब भी नहीं आता है तब तक के लिए ये है, अगर केसेस बढ़ते हैं कोरोना के जैसे हो रहा है तो शायद बदलाव हो सकता है और आरटीपीसीआर का हो सकता है। बट अगर आरटीपीसीआर का होता भी है तो आरटीपीसीआर का 72 घंटे से पहले का होगा, और इसके साथ ही साथ में रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है उसकी भी व्यवस्था की गई है फ्री में। वो व्यवस्था आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन में मिल सकती है, जो कि पहले कहा जा रहा था, बट अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर रेलवे स्टेशन में मिल सकती है। और 4 धाम में भी इनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा करी हुई है, जैसे केदारनाथ जाओगे तो सोनप्रयाग में हो सकती है, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसे अपडेट आते हैं तो फिर वो चीज़ है, और 10-15 मिनट में वो मिल जाता है। बाकी अगर केदारनाथ के आप जो और न्यूज़ है, अभी जो मेन न्यूज़ है वो तो यही है, जिनको भी जाना है 6 तारीख से यात्रा स्टार्ट हो रही है। ठंड होगी वहाँ पे 3 मई के बाद, थोड़ा सा उत्तराखंड में कह रहे हैं कि मौसम ख़राब भी हो सकता है, तो टेम्परेचर चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग अपने कपड़े लेके जाना। एंड जिनको भी जाना है, व्लॉग्स के डिस्क्रिप्शन में आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको व्लॉग के लिंक मिल जाएंगे। मैंने चंडीगढ़ से होंडा एक्टिवा में सफ़र किया था, हम 2 लोग थे एक ही एक्टिवा में, और हमने केदारनाथ की यात्रा पूरी की थी 2020 में। पिछले साल भी 21 में जाना था, बट कोविड की वजह से थोड़ा सा हो गया, और क्योंकि मैं पिछले साल एक्टिवा से ही चंडीगढ़ से अकेला लेह लद्दाख गया था एक्टिवा में ही, तो लेह लद्दाख का भी मैंने पूरा करा हुआ है, तो वो भी आप चैनल में देख सकते हो जिनको राइडिंग का शौक है, और लेह लद्दाख बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, तो उसमें फुल डिटेल्स है जिसमें आपको सब कुछ, केदारनाथ का भी आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर जैसे कोई भी दिल्ली से आता है, कई लोग मुझसे, मेरे भाई पूछ रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली से एक बस चलती है, उसका व्लॉग बनाया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट सोनप्रयाग जाती है, रात को निकलती है कश्मीरी गेट से, एक ही बस है वो। और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप उसके बाद वहाँ से, दिल्ली से या किसी भी क्षेत्र से आप हरिद्वार आ सकते हो, हरिद्वार आप रेलवे स्टेशन भी आ सकते हो और बस स्टैंड भी आ सकते हो। तो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने से ही बसेस चलती है, जो प्राइवेट बसेस होती है वो सोनप्रयाग के लिए चलती है सुबह, वो 4-4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी मानो तो अगर आपको टिकट चाहिए जल्दी, तो आप 3 से 4 बजे के बीच में आप हरिद्वार पहुँच जाओ और टिकट ले लो। सिर्फ 4-5 बसेज ही हैं, इसके अलावा कोई बस नहीं है, तो 4 से लेके आई थिंक 6 बजे के आसपास ही सुबह चलती है, और शाम को आपको वो 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आस सोनप्रयाग पहुंचा देती है। तो सिर्फ लिमिटेड बसें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर वो बसेज भी आप मिस कर देते हो तो उसका भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि आप रुद्रप्रयाग तक ले सकते हो, रुद्रप्रयाग के बाद आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सीज आती है कुंड तक, कुंड से एक रास्ता चले जाता है तुंगनाथ, जो कि शिवजी भगवान का हाईएस्ट टेंपल है, और वहाँ से केदारनाथ के लिए दूसरा रूट चला जाता है। तो वहाँ से भी आपको, मतलब सोनप्रयाग तक भी आपको शेयरिंग टैक्सी या पर्सनल टैक्सीज मिल सकती है, तो ये भी एक ऑप्शन है। साथ ही साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि सोनप्रयाग से, जैसे सोनप्रयाग तक अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हो, कोई भी अपना गाड़ी लेके जाता है पर्सनल, तो आप सोनप्रयाग तक ही ले जा सकते हो, वहाँ भी पार्किंग है, आगे पार्किंग नहीं है, तो आपको वहाँ पार्क करनी होगी, और वहाँ से सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी होती है, जिसका पहले किराया होता था 30 रुपये, अब आई थिंक 40 से 50 रुपये हो गया होगा। बाकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मेरे व्लॉग्स में मिलती रहेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो चेक कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग देते हैं। क्योंकि जब हम गए थे तो हमारे साथ भी क्या हुआ था कि हमने अराउंड 3 बजे के आसपास अपनी गौरीकुंड से केदारनाथ, जो कि 16-18 किलोमीटर का जो भी ट्रैक है पैदल का, हमने वो अपना स्टार्ट किया था 3 बजे के आसपास, तो 3 या 4 बजे शायद डेडलाइन है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, बट आपको एक आइडिया बता दूं कि शायद 4 बजे डेडलाइन है। तो शाम को 4 बजे के बाद वो पैदल जो ट्रैक है उसको मनाही होती है, मतलब नहीं कर सकते आप 4 बजे के बाद, क्योंकि केदारनाथ यात्रा सुबह से शाम तक ही चलती है, रात को नहीं चलती। जैसे वैष्णो देवी धाम की यात्रा है वो रात को भी कंटिन्यू चलते रहते हैं लोग, लेकिन केदारनाथ में ऐसे नहीं है, तो 3 या 4 बजे लास्ट टाइम होता है, उसके बाद वो आगे नहीं अलाउ करते हैं। तो अगर आप शाम को पहुंचते हो 3-4 बजे के आसपास, अगर आपको अलाउ कर दिया फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया अलाउ तो फिर आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग में निकल सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि 6,000 लोगों की जो अरेंजमेंट अभी करा हुआ है, वहाँ पे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है धामी जी, उन्होंने बताया कि 6,000 लोगों को ऊपर व्यवस्था की गई है केदारनाथ
मंदिर के आसपास जितने भी लॉजेस वगैरह हैं, कैंप्स वगैरह हैं, तो 6,000 लोग वहाँ पे ठहर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे सोनप्रयाग की तरफ भी रुक सकते हो, तो कम से कम मतलब 10,000 से 12,000 लोग ठहरने की व्यवस्था वहाँ पे है। तो हो सकता है कि अगर तो कहा जा रहा है कि बहुत संख्या में लोग जाएंगे, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि उतना क्राउड तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा, तो इस चीज़ को चेक करते रहना अपडेशन। तो अगर आपके लिए बेस्ट ये है, आपका फिक्स प्लान है, तो आप बेस्ट ये होगा कि आप ऑनलाइन बुक पहले से कराएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस अगर क्राउड बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, अनुमान लगाया जा रहा है, अगर क्राउड बहुत ज़्यादा हुआ और अगर रूम्स वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हुई, तो फिर वहाँ पे मुंह मांगे दामों में रूम्स मिलेंगे, मिल तो जाएंगे आपको, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुंह मांगे दामों में हो सकता है। तो अगर आपका फिक्स प्लान है, तो आप कोशिश करो GMVN के जो वहाँ पे गढ़वाल मंडल का होता है GMVN का, तो आप गूगल में सर्च करके वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। और कोविड का तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, जो केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकरण होता है, वो कराना जरूरी है। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे अपना पंजीकरण करवा सकते हो। तो वो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जरूर करवाना यात्रा से पहले। और बस यही अभी के अपडेट्स थे, बाकी जैसे भी आगे अपडेट्स होंगे आपको बताएंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहो, उसमें आपको ब्लॉग्स भी मिलेंगे, और दिल्ली से जो सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस जाती है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो सारे चेकआउट करो। एंड होप कि आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी हो केदारनाथ बाबा की, इस बार बहुत अच्छे से आप सफ़र दर्शन करें। और हमारा भी प्लान था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या हुआ है कि शादी चल रही है, तो पहले भी शादी में गया था, अभी फिर शादी में जाना है। तो मेरा प्लान था कि मैं 6 तारीख को पहले दर्शन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वो पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि क्योंकि फिर से मेरा शायद प्लान बन सकता है लद्दाख का, एंड उसके बाद फिर बरसात का मौसम होता है, तो अवॉइड करना चाहिए पहाड़ों में बरसात में जाना। देन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर या अक्टूबर में एक प्लान करूँ, और मैं जो प्लान करूँगा उसके मैं अपडेशन जुलाई में ही दे दूँगा, स्टोरीज़ वगैरह भी डाल दूँगा सब जगह। तो अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम फेसबुक, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेशन आपको वहाँ पे भी मिलती रहेगी। तो मैंने सोचा है कि इस बार हम यात्रा करेंगे, तो हम एक ग्रुप में जाएं और हम टेम्पो ट्रैवलर बुक करें, एक मतलब पूरा ग्रुप हो, हैपनिंग ट्रिप हो अच्छे से, और दर्शन भी अच्छे से हो। तो सितंबर या अक्टूबर में कोशिश करूंगा कि ऐसा एक टूर ऑर्गेनाइज हो और हम टेम्पो ट्रैवलर में जाएं, 12-15 लोग जो भी होंगे जाएंगे, दर्शन करेंगे, और एक हैपनिंग ट्रिप होगा, हैपनिंग व्लॉग बनेगा। तो ये प्लानिंग है, और आगे भी फ्यूचर में बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स होगी, बहुत ट्रिप्स होंगे। और फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि लद्दाख का भी एक हम टेम्पो ट्रैवलर का करेंगे इन फ्यूचर, जब हमारे साथ एक अच्छी लोग जुड़ने लगेंगे, यूनिट्स जिनको पैशन होगा ट्रैवलिंग का, जिनको घूमने का शौक होगा, तो एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा, एंड हम ऐसे करते रहेंगे फ्यूचर में। तो कंटिन्यू मतलब जुड़े रहें और अपडेट्स लेते रहें, हो सकता है कि कभी आपका हमारे साथ प्लान बन जाए। और कोशिश हमारी यही रहेगी, देखिए हमारा पर्पस है सिर्फ घूमना, व्लॉग बनाना, आप लोगों से कमाना पर्पस नहीं है कि मैं आपसे कमाऊं। तो हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि मेरी जो आदत है, मेरी आदत है ट्रिप को बजट में करने की, एक लिमिटेड मतलब कम से कम बजट में, और अच्छा ट्रिप करें। तो अगर हम जो भी ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम उसमें कम से कम पैसा खर्च हो, मतलब किसी की जेब से ज़्यादा पैसा ना जाए, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, और एक हैपनिंग ट्रिप हो, हैपनिंग ब्लॉगिंग हो। सो बस, और बाकी सब यार आप सब सपोर्ट करते रहो, क्योंकि जितने भी लोग मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है जब वो तारीफ़ करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही अपना सपोर्ट कर रहे हो, तो देखो शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बस शेयर कर दिया करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो आगे और लोगों को पता लगेगा, और लोगों को पता लगेगा, तो फिर एक अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, और बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। सो लव यू गाइस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।